तो गाइस आज डे वन ऑफ द कट है और अभी यहाँ पे सुबह सुबह के 10 बज रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है और मैं सुबह 8 बजे उठ गया था, तो अभी जिम जा रहा हूँ फटाफट। जिम से आके नाश्ता करके तैयार होके फिर लेक्चर जाना है मुझे 2 बजे। 2 से 4 लेक्चर है, उसके बाद आएंगे और बाकी का काम अपना शुरू करेंगे। तो अब हम जिम जा रहे हैं। दिस इज़ माई यूनिवर्सिटी ऑफ प्लिमथ, वेरी ब्यूटिफुल। जिम मेरे घर से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे है। आके लॉकर रूम में मैंने अपनी हुडी रखी, अपना पजामा रखा और चले गए वर्कआउट करने। तो आज हम ट्रेन करेंगे चेस्ट और ट्राइसेप। मंडे चेस्ट डे। चेस्ट बाहर आ रखी है, एकदम पत्थर जैसी हो गई है। ट्राइसेप भी पूरे पंप पर रखे। ये मैं अपने साथ प्रोटीन नहीं लाता, मैं प्रोटीन नहीं पीता। ये ऑरेंज जूस है, ऑरेंज जूस में एक चुटकी नमक। तो भाई अब फटाफट घर के लिए निकलते हैं। नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गया, अब क्लास के लिए जा रहा हूँ। क्लास 2 बजे है और अभी 1:45 हो रहे हैं, तो फटाफट निकलते हैं। तो अभी यहाँ पे देख लो, मैं लैम्ब चॉप्स लाया था, तो अभी लैम्ब चॉप्स बन रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा तेल और उसमें पकाया है मैंने, पर क्योंकि मैं कम खाऊंगा तो फिर वो कैलोरी में फिट हो जाएगा। गाइस मैंने माना आज कटिंग डे वन है, पर मेरे पास फ्रीजर में ये लैम्ब चॉप पड़े थे, तो मुझे इनको बना के ख़त्म करना था ताकि मेरे दिमाग में ये रहे ना कि फ्रीज़र में रखें, इनको भी कभी खाना है, इनको भी कभी खाना है। तो मैंने सोचा आज ही खा के इनको ख़त्म करता हूँ, इनकी कहानी ख़त्म हो। अब टुमारो ऑनवर्ड्स डे टू ऑफ कट विल बी प्रिसाइस। आज मेरा लगभग लगभग क्लोज टू 3000 कैलोरीज मैंने कंज्यूम करी हैं। मेरा टारगेट है 2000 से नीचे नीचे। मेन टारगेट है 1800 से नीचे नीचे कैलोरीज खानी है, पर 2000 तक भी आ जाए तो भी चलेगा मेरे को, बट स्ट्रिक्ट रहेंगे 1800 के अंदर अंदर रहेंगे। आज 3000 हो गए क्योंकि मैंने ये पूरा 700 ग्राम लैम्ब चॉप्स खा लिए। 100 ग्राम में 200 कैलोरीज थी, तो मतलब 1400 तो यही हो गया, ठीक है। और फिर लंच ब्रेकफास्ट किया था मैंने, तो फिर सब कुछ मिला के मेरा 3000 के पास पहुंच गया। मैंने थोड़ी सी अभी आइसक्रीम भी खाई थी। आइसक्रीम खानी कभी कभार ज़रूरी होती है, रात को आत्मा को शांति मिलती है आइसक्रीम खा के। पर वो अब सब कुछ कम करूँगा मैं, सब कुछ प्लान्ड है, सब कुछ कम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लैम्प चॉप्स की दिक्कत थी बस, ख़त्म। अब ये अब कल से बिल्कुल प्रॉपर शुरू। तो गाइस आज मेरा कटिंग का पहला डे था और मैंने आज 3000 कैलोरीज की करीब करीब कंज्यूम करी हैं, तो जो कि एक्यूरेट नहीं है मुझे, क्योंकि मैं हफ्ते में 7 डेज अ वीक ट्रेन करता हूँ। तो मेरे को अपने अपना बॉडी वेट, जो कि मेरा बॉडी वेट है अभी 70 kg, इसको मेंटेन रखने के लिए मुझे कैलकुलेटर्स बताते हैं कि मेरे को 2800 कैलोरीज कंज्यूम करनी है पर डे, ठीक है, जो कि एक जुड़ के बनता है पूरे हफ्ते का लगभग 19000 कैलोरीज, ठीक है, पर वीक, ठीक है। ये है, और क्योंकि मैं
इतनी कैलोरीज कंज्यूम कर सकता हूँ, पर मैं कंज्यूम इससे बहुत ज़्यादा कम कर रहा हूँ ताकि मेरा बॉडी कैलोरी डेफिसिट में जाए और मेरा फैट लॉस होए। तो मैं कंज्यूम करने का टारगेट कर रहा हूँ 1900 कैलोरीज। ठीक है, ये मेरा टारगेट है, मैं इतना ही कंज्यूम करता हूँ, मैं इतने में खुश हूँ। मैंने ये डाइट पहले भी फॉलो कर रखी है तो मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं खुश हूँ इससे। तो इसमें और इसमें अंतर बहुत ज़्यादा है, तो मेरा कैलोरी डेफिसिट तो ज़रूर हो रहा है काफ़ी, मतलब बॉडी फोर्स हो रही है अपने आप को फैट को शेड करने में, पिघलाने में, सारा पिघलाना तो गलत वर्ड है पर शेड करने में। तो ये मेरा टारगेट है, मैं चाहता हूँ कि हर हफ्ते मेरा आधे किलो से एक किलो तो वेट लॉस हो ही, हर हफ्ते आधे किलो से एक किलो वेट लॉस हो मेरा। तो इससे मेरा पूरे महीने का होगा वेट लॉस कम से कम 4 किलो। 4 किलो तो बेंचमार्क है, अब ये हो जाए तो मैं खुश हूँ, इससे ज़्यादा हुए तो मैं और खुश हो जाऊँगा। ठीक है, पर ये तो मेरा टारगेट है, इससे ज़्यादा मैं सोच नहीं रहा, ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। इससे ज़्यादा सोचूंगा तो वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाएंगी, तो मेरे को ये टारगेट करना है। बाकी सब बजरंग बली का नाम लेके आगे बढ़ते रहेंगे, मुझे नहीं पता मैं ये कैसे करूँगा, पर मैं काम करता रहूँगा, मेहनत करता रहूँगा और देखते हैं ये एंड में मेरा रिजल्ट पहुँच जाएगा। मेरा बॉडी वेट अभी है 70 kgs। आज है डेट 26 फरवरी, 30 डेज का ये मेरा चैलेंज है मेरा खुद को। तो 26 फरवरी है, 26 मार्च तक हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, 26 मार्च, एक पूरा महीना इसको फॉलो करते हैं। और तो 70 kgs में अभी हूँ, मेरे को 4 kgs लूज करना है, तो बाय द एंड ऑफ मार्च आई शुड बी 66 kgs मेरा एंड गोल है। एंड बिफोर एनीबडी गेट स्मार्ट बाय टेलिंग मी यू ट्रेन 7 days a week, इट्स टू मच, योर बॉडी नीड्स रेस्ट, डोंट गिव मी दैट बुलशिट। माइक टाइसन वॉज इन द जिम 7 days a week, 8 hours a day. I can do it too, but I'm not training 8 hours a day, obviously. So this is very, very manageable. Your body needs rest. It's the modern agenda for weak people, for weak minded people. I think कि तुमको संडे को आराम करना चाहिए, हफ्ते में एक दिन छुट्टी ले लो जिम से, ये सब क्या करोगे घर बैठ के? अब तो प्रॉपर खाना खा रहे हैं, अब तो न्यूट्रिएंट डेंस काजू बादाम सब खा रहे हैं, तो अब कैसे, अब तो रिकवरी तो हो जाएगी अपने आप। तो ये मेरा प्लान है, मैं फिर से कह रहा हूँ मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगा, पर ये मेरा बेसिक प्लान है, इसको मुझे फॉलो करना है। बाकी सब मैं बजरंग बली के ऊपर छोड़ दूंगा, वो मेरे को आगे लेके जाएंगे। मेरा एंड गोल है 66 kgs बाय 26 मार्च। विश मी ऑल द बेस्ट।